के लिए घास के इन हरे भरे मैदानों की जरूरत होती है और कुछ लाख साल पहले तक अफ्रीका का काफी बड़ा हिस्सा घास के हरे भरे मैदानों से ढका था। लेकिन अफ्रीका अब ज्यादा सूख गया है और रेगिस्तान के फैलाव से घास के मैदान सवाना बन गए हैं और बाकी जगह जलारा बबून खत्म हो गए। अब ये सिर्फ इथियोपिया के इन पहाड़ी चरागाहों में ही बचे हुए हैं। क्या मौसम है! जलारा बबूनों के पास एक दूसरे से चिपक कर छिपने के लिए चट्टानी दीवार में सुराख है। उनके पास खुद को गर्म रखने के लिए अपना हरम है। हमारे पास बारिश से बचने का साजो सामान है, अपना टेंट है और मैं इसी में घुस रहा हूँ। किलर, इस बार ज्यादा दूर मत जाना। हमारा गधा कहाँ गया? किलर रुको! ओ किलर, किलर रुक जाओ! किलर रुको, 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 किलर! वो बबूनों को खदेड़ रहा है। वो ये अपनी मर्जी से काम करता है। उसे पकड़ो क्रिस। तुमने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। आराम से, आराम से। मुझे इसका आसपास भटक कर लौट आना मजेदार लग रहा है। ये देखो, हाँ, लैम्बरगायर। क्या ये लैम्बरगायर है? हाँ, ये छोटा है और रिंच की ओर आ रहा है। तो हम लैम्बरगायर के पीछे चल पड़े क्योंकि ये बहुत अनोखी प्रतिभा वाला एक खास किस्म का गिद्ध है। लैम्बरगायर काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए अपनी कमाल की आंखों से इस लंबे चौड़े इलाके पर नजर रखकर ऊंचाई पर चरने वाले जीवों की लाशों की तलाश करते रहते हैं। इनमें भारी भरकम हड्डियों को उठाकर ले जाने और काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए उन्हें चट्टानों पर गिराकर तोड़ने की अनोखी क्षमता होती है। वो ऊंचाई से फेंक कर उन हड्डियों को इस तरह तोड़कर भीतर मौजूद स्वादिष्ट मैरो को खाने के लिए निकाल लेते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है। ये देखिए, चट्टान पर गिरो, चट्टान पर गिरो, चट्टान पर गिरो। थोड़ी सी दूर गिरा। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, निशाना लगाना बहुत मुश्किल है। फिर से ये चट्टान से टकराया। लेकिन ये देखिए, इससे हड्डी का बस एक छोटा सा टुकड़ा टूटा है, लेकिन ये बहुत छोटा है। आपके पास लैम्बरगायर वाली तकनीक होनी चाहिए। ठीक है क्रिस, क्या हाल है? बढ़िया, यहाँ रख देता हूँ। क्या है, ठीक है? बहुत अच्छा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। देखते क्या होता है। तो हम यहाँ इस छोटी सी गुफा में छिप जाते हैं। ईगल आ रहा है, टाउनी ईगल उतरा। वो हड्डियों पर से मांस खा रहा है। ईगल को मांस चाहिए, उसकी दिलचस्पी हड्डियों में नहीं है, सिर्फ लैम्बरगायर को हड्डियां चाहिए। और मोटी चोंच वाले कौवे भी अपनी कटार जैसी चोंच से हड्डियों को फटाफट साफ करके उन्हें लैम्बरगायर के लिए तैयार कर देंगे। ओ, एक ईगल आ रहा है। वाह, अब दो है। ओह, लेकिन लैम्बरगायर कहाँ है? यहाँ एक गिद्ध है। ओ, एक लैम्बरगायर, और वो हड्डी उठाकर ले गया। उसने एक हड्डी उठा ली। छोटे लैम्बरगायर ने हड्डी उठा ली और दूसरा भी आ रहा है। ओह, उसने तुरंत वो हड्डी उठा ली। वो उसे उठाकर उड़ गया। अभी आसमान में हड्डी लेकर चार या पांच लैम्बरगायर चक्कर काट रहे हैं। वो क्रैश जोन यानी काफी ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। ये तो बहुत ऊंचाई पर है। वो आ रहा है, इधर आ रहा है। क्या वो गिराएगा? ये बढ़िया है, बहुत अच्छा। हाँ। ओह, चट्टान से इतना सा दूर रह गई, इतना सा दूर रह गई। ओह, ये चट्टान पर गिरी लेकिन टूटी नहीं। शायद वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था, उसने गिराया। ओह हाँ, चट्टान पर गिरी। ओह, ये इतनी छोटी हो गई है कि इसे निगला जा सकता है। उसने निगल ली। वाह,
उसने बिना तोड़े ही निकल ली, पूरी निकल ली। काफी बड़ी हड्डी थी वो। ये भी एक तरीका है। चट्टानों पर इन हड्डियों को तोड़ने में बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। ये असल में औजार का इस्तेमाल है। ये चट्टानों को औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही ये जिलाड़ा पर नजर भी रख रहे हैं। पहाड़ी पर अब 8 कुंवारे नरों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन दुश्मनों की तादाद ज्यादा है और अबाट को लगता है कि इसने काफी साहस दिखा लिया है, इसलिए ये हरम की ओर लौट आया। कुंवारे नर कहीं नहीं जा रहे। ये कुंवारे नर हरम पर कब्जा करने के लिए बहुत राजनीतिक और कुटिल तरीके अपना सकते हैं। 2 या 3 साल की उम्र में नर बच्चे हरम छोड़कर कुंवारे नरों में शुमार होने की तैयारी में हैं। जैसे ये नन्हा बबून हिसान, स्थानीय भाषा में बच्चे को हिसान कहते हैं। ओह, ये फुर्तीला है। क्या आपने इसे अपनी नाक के छोर पर बैठी मक्खी पकड़ते हुए देखा? ओहो, हिसान में बिजली सी तेजी है। और इसके लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि ये बच्चे कुछ जबरदस्त और खतरनाक खेल खेल सकते हैं। बड़े बच्चों को इन चट्टानी दीवारों पर उछल कूद करने में बहुत मजा आता है। ये यहाँ भागते दौड़ते हुए एक दूसरे की पूंछ खींचकर गिराते रहते हैं। ओह, उसने सिर पर हमला किया। उसने सिर खींचकर उसे दीवार से गिराने की कोशिश की। इस खेल में सब कुछ जायज है। बच्चों का एक पूरा झुंड पहाड़ी से नीचे की ओर जा रहा है। बहुत अच्छे, वाह, गिर पड़े। वाह, गिरते जा रहे हैं। ये तो जिलाड़ाओं की बाढ़ है, लेकिन ये तुरंत संभल गए। कमाल की बात है कि ये इस तीखी ढलान वाली चट्टानी दीवार से गिरने पर खुद को कैसे संभाल लेते हैं। इसने किनारे पर खुद को संभाल लिया। ये वयस्क नर बनने की शुरुआत है। ध्यान से। ये मैं नहीं था, वहां एक बबून था जिसने एक पत्थर नीचे फेंका और तुम उससे बाल बाल बचे। ध्यान से दोस्त। उफ, उफ, उफ। मैं 10 मिनट से इस चट्टान पर बैठा हूँ। मैं अपने निचले हिस्से पर दबाव महसूस करने लगा हूँ, लेकिन बबूनों के शरीर में इसका एक उपाय पहले से मौजूद है, जिसे इशियल कलोसिटी कहते हैं, जो जीव जंतुओं की दुनिया में मेरे पसंदीदा लफ्ज है। इशियल कलोसिटी बट पैड के लिए एक लंबा नाम है। बबून के पिछले हिस्से में 4 छोटे छोटे गोल पैड होते हैं, इसलिए वो इन चट्टानों पर लगातार कई घंटों तक बैठे रह सकते हैं। ये उन पर सिर्फ बैठे ही नहीं रहते, बल्कि चढ़ते समय उनके बल पर खिसकते भी रहते हैं। ये शरीर में बने हुए पैड की तरह है, जिन्हें आप अपने पीछे लिए घूमते हैं। यहाँ 10 मिनट बैठ कर ही मुझे ये चट्टान चुभने लगी है। कोई इस चट्टान पर काफी देर से बैठा हुआ है। जरा रुको, यहाँ क्या चल रहा है? जरा ये देखिए, सब आ गए हैं। पूरा विशाल झुंड इन चट्टानों पर जमा हो गया है। अब बाट खुश नहीं है। घाटी में एक और बड़ा झुंड है। इतना बड़ा झुंड किसी दूसरे विशाल झुंड को देखकर बेचैन हो जाता है। कमाल है, ये सब अपने होंठ उलटकर पहाड़ी के नीचे देखते हुए पागलों की तरह चीख रहे हैं। ये बहुत सजग है, और मुझे अपने पीछे दूसरा झुंड नजर आने लगा है। देखिए, मादाएं भी इसमें पूरी तरह शामिल हैं। वो अपने हरम की आक्रामक ढंग से हिफाजत करती हैं, क्योंकि उसी से उनके बच्चों को सुरक्षा मिलती है। इनकी तादाद कम से कम 200 या शायद 300 होगी। जरा इन्हें देखिए, हम दोनों खुशकिस्मत हैं कि इनके साथ यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत अच्छा है, वो हमें अपने बीच आने दे रहे हैं। भारी खतरे की वजह से ये हमारे चारों तरफ जमा हो गए हैं। ये अच्छा है, हम अब झुंड का हिस्सा हैं। ये अब हमें और भी ज्यादा स्वीकार करने लगे हैं। और इस शोर शराबे में उस कुंवारे नर को लीची को पकड़ने का मौका मिल गया। किसी भी एकाकी नर के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। अगर लीची उसे पसंद करने लगे तो मादाएं इस नर को चाहत की नजर से देखने लगेंगी। किसी झुंड की मादाओं की निगाहों में अच्छा साबित होने की कोशिश किसी परिवार का नर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि मादाओं द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है। तुम उसकी मदद ले रहे हो।
उसने मुझे धमकाया। जब तक लीची ना चीखे ये इस कुंवारे नर के लिए अच्छा है। ये जानता है कि मादा इसे देख रही है। ओके, वो गया लीची। हाँ, लीची अपनी माँ के पास आ गया है। बहुत बहुत अच्छा, ठीक है, हम फिर से चल पड़े हैं। लीची को देखो, माँ की पीठ पर जॉकी की तरह बैठा लीची पीठ के पिछले छोर पर टिका है और माँ की पूंछ की जड़ को घोड़े की काठी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो चरने जा रहे हैं, पूरा झुंड इस घाटी में चर रहा है। इनकी गतिविधियाँ इतने आराम से होती हुई लग रही है कि लगता है कोई एक हरम इसकी अगुवाई नहीं करता। मुझे यहाँ दबदबे वाले किसी एक हरम के संकेत नहीं दिख रहे। मुझे भी नहीं, कोई रानी भी नहीं। इनके हरमों से मिलने से 600 से ज्यादा जिलाड़ाओं के विशाल झुंड कैसे बनते हैं ये अब भी एक रहस्य है। सूरज उग गया है, जिलाड़ा जल्दी उठ जाते हैं। हमारा गधा रात को आसपास ही रहा। एक सप्ताह तक इसका पीछा करते रहने के बाद अब इसने नहीं भागने का फैसला किया। गुड मॉर्निंग। ओह, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? झुंड में शामिल होने जा रहे हो। तो जिलाड़ा के झुंड के काम करने के तरीके को देखकर हमें क्या समझ में आया? ये कई अलग अलग हरम से बने हैं, जिनमें से हर एक की अगुवाई एक मादा करती है। बड़ा और शानदार नर जिलाड़ा बबून असल में अपनी बीवियों की सेवा करने वाला एक नौकर होता है। लेकिन तभी कुछ हुआ जिसने हमारे दिमाग में ये साफ कर दिया कि आखिरकार सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है। दो कुंवारे नर झुंड के पास आ रहे थे, इससे अनाट थोड़ी नर्वस हो गई। जाहिर है बाट को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन किसी तरह एक कुंवारे नर ने लीची को अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब बच्चा कुंवारे नर की पीठ पर है, इसलिए मादाएं उसके प्रति उतनी आक्रामक नहीं है जितनी पहले थी। ये कुंवारा नर लीची के साथ दोस्ती करके मादाओं की निगाह में अपनी अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। ये अब बाट के लिए चिंता की बात थी और लीची जैसे ही उस नर की पीठ से उतरा, देखो उसने लीची को उतार दिया। अब बाट ने आगे बढ़कर उसे खदेड़ दिया। और छोटे लीची के पास आकर उसके अपनी पीठ पर बैठ जाने पर ही अबाट को चैन मिला। परिवार के इस नर को सभी पत्नियां स्वीकार कर रही हैं। लेकिन ये शायद ज्यादा समय तक ना चले, क्योंकि जल्दी ही ये मादाएं फैसला कर लेंगी कि वहाँ कोई बेहतर नर मौजूद है और फिर वो अबाट को खदेड़ देंगी। तब हमें एहसास हुआ कि इस तरह मिलना जुलना, झड़प, मसूढ़े दिखाकर डराना, चीखना चिल्लाना और कम्युनिकेशन के तमाम दूसरे तरीके असल में बच्चों से जुड़े हुए थे। ये बच्चा पैदा करने, उनकी हिफाजत करने, समूह का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए थे और ये सभी जिलाड़ा बबून इसी लक्ष्य की दिशा में अपने अपने काम कर रहे थे। तो रोजमर्रा की उठा पटक में लीची के पास भले ही कोई ताकत ना हो और वो भले ही कोई फैसला ना करता हो और किसी पर धौंस ना जमाता हो, लेकिन उसके पास एक ताकत है जो पूरे झुंड को जोड़ती है, जो उन्हें मकसद देती है। और इसलिए इस छोटे बच्चे को इतनी सुरक्षा और देखभाल मिलती है कि इससे झुंड के सभी सदस्यों का व्यवहार प्रभावित होता है। यानी लीची जैसे बच्चे के पास ही असली ताकत होती है और हर कोई उसे हासिल करना चाहता है, यहाँ तक कि थोड़े बड़े बच्चे भी। मुझे ये जिलाड़ा बबून बहुत पसंद है। दुनिया में और कोई बंदर जिलाड़ा की तरह
झुंड में रहकर चरते नहीं हैं। और इनके चेहरे के हाव भाव, मुझे इनका होंठ उलटकर मसूड़े दिखाना मजेदार लगा और ये बहुत अजीब है, मानो कब्जे से जुड़ा हो। अपने बच्चे के फायदे के लिए मादाएं पूरे समाज की अगुवाई करती हैं। और मुझे दौड़ते और झगड़ते हुए शानदार नर बबूनों को देखने में भी बहुत मजा आया। ये सारी गतिविधियां यहाँ अफ्रीकी महाद्वीप में काफी ऊंचाई पर स्थित जलाना बबूनों की दुनिया में चल रही है। यही किलर का है, किलर कहाँ हो? अब वापस जाना है किलर। किलर, वो गधा कहाँ गया?